हाथरस हादसे पर एसडीएम ने जिला कलेक्टर को खास रिपोर्ट सौंप दी है। हाथरस हादसे की जांच रिपोर्ट में कई बड़ी बातों का खुलासा भी हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक भोले बाबा के सत्संग में 2 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ आई थी। बाबा सत्संग के बाद बाहर निकला तो पब्लिक उनके पीछे दौड़ने लगी। बाबा के चबड़ ध्वज की धूल उठाने के चक्कर में लोगों में भगदड़ मच गई है, जिसके बाद बाबा की व्यक्तिगत आर्मी और श्रद्धालुओं के बीच धक्का मुक्की हुई। वहीं अब लोग वहां से भागे तो दलदल और ऊंची नीची जमीन पर फिसल कर गिरे और भगदड़ हुई, जिसके बाद बाबा का चमत्कार चित्कार में बदल गया और इसी दौरान यह हादसा हो गया। हादसे में घायल लोगों को घटनास्थल पर मौजूद अन्य साथियों के जरिए अस्पतालों में भर्ती कराया। इनमें से कई का इलाज अब भी हाथरस, अलीगढ़ और आसपास के अस्पतालों में चल रहा है।